हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर, मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा कंप्लीट ड्यू बीएमएस एंट्रेंस एग्जाम में जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको वो सारा का सारा डेली, ऐसा नहीं आज लाया कल नहीं, डेली ये आएगा, ये डेली आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और बस आप लोगों को साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहां से पीडीएफ फाइल जो क्वेश्चंस के हैं उसको डाउनलोड करो और फिर मैं क्वेश्चन जो समझाने जाऊँ आपको समझ आएगा। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डरावना टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से आप, 3/2 प्लस आयोटा इंटू रूट 3/2 होल की पावर 50, ये हमारा इक्वल है 3/25 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के। पहली बात, एक्स और वाई नंबर है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है, आपको पता है। फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करना है जी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू आप बता दो इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। और बच्चों की हालत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद, उनको लगता है 11th क्लास में, खास करके कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, ठीक है ना, उनको लगता है 11th क्लास के एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं, एनसीईआरटी में थे नहीं, आरडी में थे नहीं, तो कैसे सॉल्व करूं। कोई इशू नहीं है, अब करेंगे सॉल्व, क्योंकि आपको वहां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपको बातें दिमाग के अंदर याद है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, याद आ जाएगा आपको। ओमेगा बताया गया था, ओमेगा की वैल्यू रूट 3 आयोटा माइनस 1/2, और जैसे ओमेगा स्क्वायर होता था ये हमारा प्लस होता था, ये आपको पता है आप लोगों को, ओमेगा ऐसा होता है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं वापस दो मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हाँ जी 3/2। हाँ, तो ओमेगा हमारा क्या होता है मैं आपको बताया अभी। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, पावर को हटा दो आप, मैं लिख रहा हूँ 3/2 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। पावर की बात बच्चों मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूं, क्या चाहूं, मुझे माइनस लाना है, तो मैं माइनस लाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं माइनस कैसे ला सकता हूं, मेरी बात को सुनिए आप ध्यान से, बहुत जल्दी मैं माइनस ला पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने रूट 3 कॉमन लिया जी, और जब मैं रूट 3 कॉमन लूंगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, रूट 3 प्लस आयोटा और अपॉन 2। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस आयोटा होल अपॉन 2, यहां तक पहुंच गए हम लोग। टारगेट क्या है हमारा, मुझे लाना था रूट 3 के साथ, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे रूट 3 के साथ लाना है विदाउट आयोटा वाला टर्म या आयोटा वाला टर्म, उसके बाद लाना है माइनस। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी आयोटा से, दोनों को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद जो चाह रहे हम लोग वो मिल जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये आपको पता है अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा से आपको डिवाइड भी करना होगा। पहले मैंने डिवाइड कर दिया, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट 3 इंटू आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा जी, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 2। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, खाली आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड किया। थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं वापस, ये क्या हो गया हमारा रूट 3 अपॉन आयोटा, और वापस आइए, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया यहाँ, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। क्या चाहिए था, रूट 3 आयोटा माइनस 1, मिल गया मुझे रूट 3 आयोटा माइनस 1, और इसके बाद खुद हो जाना है आप लोगों को, तो आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल आंसर आ गया रूट 3 अपॉन आयोटा, ऐसे छोड़ दो। और ये आपको बता दिया गया है स्टार्टिंग में ही कि भाई साहब ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है ये ओमेगा की। क्या आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर होता है भाई, नहीं होता। अगर आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए। मैंने रैशनलाइज कर दिया और ये हमारा ओमेगा है हमारे पास, ठीक है ना। तो नीचे देखो ध्यान से, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस। तो आंसर आ गया हमारा माइनस रूट 3 आयोटा को आगे लिख लो, ओमेगा इज योर फाइनल आंसर। आप ऐसा बोल सकते हो माइनस रूट 3 आयोटा ओमेगा या माइनस आयोटा रूट 3 ओमेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखने में थोड़ा सा
खतरनाक लगता है ऐसा, सॉरी आंसर नहीं है, इससे आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने तो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई किया है, देखने में थोड़ा खतरनाक था बट क्वेश्चन आसान है। अगर वापस चलता हूँ, वापस हमारे पास पावर है, पावर कितना गई 50, तो 50 पावर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया कुछ इस तरह का सिचुएशन। क्या था मेरे पास, क्या क्वेश्चन क्या था, मैं लिख रहा हूँ 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 होल की पावर 50, कुछ इस तरह का था हमारा। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस आयोटा रूट 3 ओमेगा होल की पावर 50, और अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आप आराम से सिंप्लीफाई कर लो, माइनस क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस 1 की पावर 50 इंटू आयोटा की पावर 50 इंटू रूट 3 की पावर 50 इंटू ओमेगा की पावर 50, ठीक है ना। और यहां से मैं देख रहा हूँ ये हो गया हमारा 1, आयोटा की पावर 50, अगर आयोटा की पावर 50 को आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे भाई, तो आयोटा की पावर 50 को मैं सॉल्व करूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 25, आयोटा स्क्वायर की पावर 25, और इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 25, क्योंकि रूट 3 का मतलब क्या होगा, समझो कैसे मैं बोल रहा हूँ, रूट 3 का मतलब हुआ 3 का पावर हाफ, और मेरे पास पावर क्या है 50, मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा 3 की पावर 25, और ये हमारा है क्या साथ में ओमेगा की पावर 50। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा राइट में किसके इक्वल है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा राइट में था इक्वल ये 3 की पावर 25 इनटू x माइनस आयोटा y, ये हमारा इक्वल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या हमारा इक्वल है ये, तो ये हमारा इक्वल है जी, तो लेफ्ट में हो गया मेरे पास ये माइनस वन हो जाएगा हमारा, तो माइनस 1 इंटू 3 की पावर 25 इंटू ओमेगा की पावर 50, ये हमारा इक्वल है जी 3 की पावर 25 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के, 3 की पावर 25 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के, ये हमारा इक्वल है, ये एक्स है बच्चों, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 को तो आप यहां से गायब कर दोगे, ये 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 गायब हो गया हमारा, तो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या बच गया भाई, ये माइनस ओमेगा की पावर 50, निकालनी वैल्यू किसकी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, चलो ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई के लिए इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप ध्यान से देखो, ये माइनस वन है हमारे पास, ओमेगा 50, वापस मैं क्या बोलूंगा 3 × 16 + 2, समझा चुका हूं पहले आपको, वापस उसी तरह से काम किया मैं, और ये हो गया माइनस वन इंटू, और ये क्या बन जाएगा मेरा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप आंसर बता सकते हो, मैं पहुंच चुका था आपके पास, कहां पहुंचा मैं, हमारे पास ये आ चुका है माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, बिल्कुल आप आंसर के करीब हो, माइनस वन को एज इट इज रहने दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, इससे पहले ओमेगा का लिखा था, ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस वन माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये यहाँ हम लोगों को पुट कर देना है जी, तो क्या पुट कर दूं मैं, तो माइनस वन माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और देखो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा हाफ प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, और मुझे लगता है इसके बाद मुझे आप लोग को नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3/2, तो ऑर्डर पेयर में आपका आंसर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हाफ कॉमा माइनस रूट 3/2 इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल था। इसके बाद जो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर हमारा अभी ये 10th का था, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाओ इससे आगे वाले क्वेश्चन 11 पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, यहाँ जेड की वैल्यू दे रखी है जी, जेड हमारा है रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये तो जेड दिया हुआ है, आयोटा पता है आपको क्या होता है नहीं होता है, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है जेड की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 103, जेड की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 103 होल की पावर 105। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है आप क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन दिखेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, चलो ठीक है जेड, तो नॉर्मल सी बात है इस चीज का पावर 101 फाइंड करना आसान नहीं है, तो फिर मैं अपना वही अप्रोच लेकर चलूंगा, काश मेरा ये ओमेगा बन जाता, ओमेगा स्क्वायर बन जाता,
मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो जेड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास है रूट थ्री प्लस आयोटा अपॉन टू। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू आयोटा। क्लियर है आयोटा? और इसके बाद मैं कुछ क्या कर सकता हूँ यहाँ, और पहले तो मैंने काम क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड किया, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं हम लोग। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ भाई, वन बाय आयोटा को बाहर कर लिया, और अंदर क्या बोलूंगा, अंदर मैं बोलता हूँ इसको आयोटा रूट थ्री, अंदर क्या है मेरे पास आयोटा रूट थ्री है, जो कुछ भी आप लिखा देखो इसको लिख लो, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। और इस तरह का है, तो मैं कुछ टाइम पहले अभी इसी क्वेश्चन के अंदर जब मैंने ओमेगा बताया था, ओमेगा क्या बताया था, ओमेगा था हमारा जी रूट थ्री आयोटा माइनस वन अपॉन टू, रूट थ्री आयोटा माइनस वन अपॉन टू। यहाँ भी क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिल रहा है जी रूट थ्री आयोटा माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन आयोटा, और इसका नाम आप दे दोगे ओमेगा, और आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं ये हमारा माइनस आयोटा ओमेगा हो जाएगा, ये आपको पता है, रैशनलाइज किया आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो माइनस आयोटा ओमेगा वैल्यू आ गई किसकी, जेड की, यानी जेड की वैल्यू आ गई जी, यहाँ से बोल दो आप जेड की वैल्यू आ गई माइनस आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। सबसे पहली बात, अब मैं आगे चलता हूँ, क्या फाइंड करना है, जेड की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 103, जेड की पावर 101, जेड की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 103, और होल का पावर जो फाइंड करना है, चलो वो तो बाद में कर लेंगे, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। जेड की पावर 101, जेड की पावर 101 का मतलब क्या हुआ, माइनस आयोटा ओमेगा होल की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 103 है ही हमारे पास, इसको कुछ नहीं करना। अब बताओ सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा माइनस वन का पावर, बिल्कुल एक एक पार्ट ब्रेक कर दे रहा हूँ, माइनस वन की पावर 101, आयोटा की पावर 101, और आगे ओमेगा की पावर 101, ओमेगा की पावर 101, और यहाँ आयोटा का पावर 103 है हमारे पास। आगे चलो, तो माइनस वन का पावर 101, ये सबको पता है माइनस वन होता है जी, ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने आयोटा की पावर 101, मैं इसको कैसे लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर का पावर 50, आयोटा स्क्वायर का पावर 50 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 50 इंटू आयोटा, और ये हमारा वापस कैसे लिखा जाएगा, ओमेगा की पावर 3 इंटू 33 प्लस 2, ठीक है ना, और वापस आयोटा की पावर 103 को बोलूंगा आयोटा की पावर 2 की पावर 51 इंटू आयोटा, ठीक है। आ जाओ यहाँ, माइनस वन की पावर 50 प्लस वन इंटू माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब की कहानी खत्म हो गई, बचा क्या मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन का पावर 51 माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया ये आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा, अगर मैं यहाँ से माइनस आयोटा ले लूँ कॉमन, तो कहीं ना कहीं से ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कुछ याद आ रहा है, अगर याद नहीं आ रहा है तो आ जाओ याद करो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता था, इसलिए ओमेगा स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू को माइनस ओमेगा बताऊंगा। क्लियर, ये हो गया जी हमारा माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, जो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा माइनस ओमेगा, ये माइनस आयोटा इंटू माइनस ओमेगा क्या जाएगा प्लस आयोटा ओमेगा, हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू क्या, माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया बच्चों, ये हो गया मेरे पास फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई, वो आ गई आयोटा इंटू ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। क्या फाइंड करना था, इतना करने के बाद बातें यहीं पे खत्म नहीं थी, इसका पावर भी था, क्या था इसका पावर, इसका पावर था जी 105, इसका पावर था 105। आ जाओ कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 105 इंटू ओमेगा की पावर 105, और ये आपको सॉल्व करना आता है 2 की पावर 52 इंटू आयोटा, और ये करोगे जी ओमेगा 3 इंटू 35, ये तो मामला इसका भी कंप्लीट, ओमेगा क्यूब 1 माइनस 1 का पावर 51 प्लस 1 इंटू आयोटा, योर फाइनल आंसर इज आयोटा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने 11th क्लास में नहीं किया तो ये सब आप समझ लो आपके बीएमएस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज
वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को बताओ, जहां भी क्लास लेते हो बीएमएस के लिए उन बच्चों को दो, उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ। थैंक यू।